हेलो दोस्तों, वी आर बैक। एंड भाई साहब यहाँ पर जो कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, आई नो वही रीज़न है भाई साहब, आलस। जी हाँ फ्रेंड्स, आलस है ही ऐसी चीज़। तो अभी जो कि हम यहाँ पर लियो मूवी का ट्रेलर रिव्यू ले आ चुके हैं, और भाई साहब ट्रेलर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ट्रेलर, और काफ़ी बेटर ट्रेलर लगा बाकी मूवी से, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेलर से हम जो कि थोड़ा बहुत स्टोरी का भी पता कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप यहाँ पर विजय थालापति के फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके उनको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब यहाँ पर लियो का ट्रेलर देखकर जो कि ऐसा लग रहा है कि विजय थालापति जो कि भेड़िया बन चुके हैं, और भाई साहब जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर अब ब्रेक करके ही रहेंगे। यहाँ पर जो YouTube के ऊपर रिकॉर्ड्स थे कुछ थोड़े बहुत, उनको तो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट्स के अंदर जो कि 1 मिलियन व्यूज, आज तक YouTube की हिस्ट्री के अंदर किसी भी ट्रेलर के साथ ऐसा नहीं हुआ है जैसा इस ट्रेलर के साथ हमको देखने को मिला है। तो ये ट्रेलर जो है वो एक इसके साथ जो कि न्यू रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दिया है, और ट्रेलर अमेजिंग परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है बाकी ज़्यादा जितने भी ट्रेलर थे उन सब ट्रेलर से, क्योंकि ये लियो का ट्रेलर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे दिखाया है। भाई साहब इस मूवी के अंदर जो कि सीरियल किलर का रोल होने वाला है, मतलब कि एक न्यू तरक्ती बढ़कती न्यूज़ आ रही, एक न्यू तरक्ती बढ़कती जो कि कहानी जो कि हमको देखने को मिलेगी। हम बोल सकते हैं स्टोरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है इस मूवी के अंदर। आप देख सकते हैं सीरियल किलर वाली इतनी ज़्यादा जो कि हमको मूवीज़ नहीं देखने को मिले, लेकिन ये मूवी जिस हिसाब से आई है ना भाई साहब, सीरियल किलर बन के एंड, मतलब कि सीरियल किलर वर्सेस जो कि विजय थालापति होने वाला है इस मूवी के अंदर, और मूवी के अंदर भाई साहब तो मतलब कि सीरियल किलर है तो मतलब कि खून खराब तो 100% होगा। उसके बाद यहाँ पर लोकेश कनकराज की डायरेक्टिंग, भाई साहब कार को उड़ाने से लेकर जो कि घरों के अंदर बाय लगाना, मतलब कि आग लगाना, ये सब जो कि यहाँ पर इनकी मूवी के अंदर ही देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भाई साहब एक एक सीन, जो एक एक सीन है ना उसको इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर बनाया गया है, और इतनी जो कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब कि पर्सनली दिल को मतलब बहुत खुशी हो गई इस ट्रेलर को देखने में। मतलब कि यहाँ पर ये ट्रेलर जो कि सबका बाप निकला, और वहीं भाई साहब अगर यहाँ पर विजय थालापति की एक्टिंग, लोकेश कनकराज का जो कि यहाँ पर डायरेक्टिंग, और यहाँ पर अनिरुद्ध का म्यूजिक, खत्म, मतलब के सारे रिकॉर्ड यहीं पर ब्रेक हो जाते हैं। इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर जो कि हम बोल सकते हैं बवाल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कि बवाल है तीनों की कॉम्बिनेशन, मतलब के आउटस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो कि लोकेश कनकराज ने जिस हिसाब से गाड़ियाँ उड़ाई है और भाई साहब घरों के अंदर आग लगाई है, उस हिसाब से लग रहा है कि भाई साहब ये जो मूवी ये थिएटर्स के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन नमूने से जो कि हमको आग लगाती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब इसके अंदर जो फाइटिंग के बीच में जो बोलते हैं ना, मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो, तो मतलब कि इस मूवी के अंदर यहाँ पर फैमिली भी जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, और साथ साथ यहाँ पर जो कि बेटी वाला जो सीन था भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। मतलब कि इस मूवी की जो स्टोरी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर चुकी थोड़ी सी ये हिंट दी गई कि भाई साहब विजय थालापति जो है वो यहाँ पर दो रोल होने वाले हैं, एक जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल बंदा जो कि यहाँ पर शांत स्वभाव का होने वाला है, और दूसरा जो कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, मतलब कि एंड हम क्या बोल सकते हैं उसको, थ्रिलर टाइप का होने वाला है। तो मतलब कि दोनों के अंदर दो रोल होने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मतलब कि हो सकता है हम शक्ल वगैरह हो, स्टोरी के अंदर जो कि काफ़ी बेटर मूवी लगी मुझे ट्रेलर के हिसाब से, जो कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा जो कि 5 स्टार डिजर्व करती है। उसके बाद यहाँ पर जो कि फैमिली लव इमोशंस जो कि हैं इस मूवी के अंदर, साथ ही साथ भाई साहब इसके अंदर आग और बम ब्लास्ट वाले सीन्स, भाई पूरी कहानी चेंज कर दी है पूरी, मतलब कि बॉलीवुड को अब इनसे जो है भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइप की स्टोरी साउथ की तरफ से आती हुई देखने को मिलती है ना, वैसी स्टोरी जो कि हमको बॉलीवुड के अंदर नहीं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर ये जो कि मूवी हो सकता है कि हमको काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाती हुई देखने को मिले। अब रिकॉर्ड्स बनाना जो कि जनता के हाथ में, जनता आप बताइए कितना सपोर्ट करेंगे आप, ये जो कि कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। और भाई साहब अगर आप यहाँ पर भाई को सपोर्ट करना चाहते तो भाई को भी जो कि यहाँ पर कमेंट के अंदर थोड़ा सा प्यार लव दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा राधे राधे। तो यही थी आज की मतलब कि थोड़ी सी वीडियो, एंड पब्लिक अब बता दे कितना लव है आपको, कैसा लगा ट्रेलर ये भी, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद, मुझे जो है इस टाइप की कुछ स्टोरी पसंद आई है, ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा दमदार था, और ये ट्रेलर भाई साहब एंड लेवल ट्रेलर, और ट्रेलर के अच्छे रिकॉर्ड्स भी बने हैं, वो रिकॉर्ड जो कि हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले भाई साहब अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं उनको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर यहाँ पर आप विजय थालापति के फैंस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा राधे राधे।